गाना सुनेंगे सिस्टर सुजन। अभी तो अच्छी तरह से सुन सकते हैं क्या? जी अच्छी तरह से सुन सकते हैं कि आवाज जी हाँ ठीक है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झंकार, हृदय की तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा करार, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा करार, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पाप मैदम तू दूर हटा दे, पाप मैदम तू दूर हटा दे, पूर्ण हो अभी लाशा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आमीन। थैंक यू सिस्टर, सुंदर गाने के लिए परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम आपसे परमेश्वर के लिए सुंदर और उत्तम संगीत को सुनेंगे। परमेश्वर अधिक से अधिक आपको, आपके परिवार को, आपके
बच्चों को परिजनों को आशीष दे। अब मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर कुरियन चेरियन को। पास्टर कुरियन चेरियन, आपके पास समय है परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आवाज बराबर सुन रहे क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद देते हैं। जय क्रिस्त की, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अभिवादन करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो लोग आज रात प्रार्थना में है, बड़े भोज के साथ ईश्वर की चरणों पर बैठकर परमेश्वर की सुंदर गाना, सुंदर प्रार्थना और सुंदर वचन सुनने के लिए इंतजार में है, उन प्रिय लोगों के लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे जिंदगी के अंदर, विशेष करके भारत वर्ष के अंदर, जो उत्तर भारत की या मतलब सभगाई के खिलाफ जो शैतानी कार्य कार्यक्रम हो रहा है, उन सारे कार्यक्रम में शैतानी हाथ दूर हो जाए और परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता परमेश्वर खोल कर आगे हाथ पकड़ कर चलाने पाए। और एक बात याद रखने का, दुनिया उल्टा पलटा हो जाए, क्षण भर में हमारे जिंदगी मतलब खत्म हो जाए, यदि परमेश्वर के लिए या यीशु मसीह के लिए देहांत होना पड़े तो भी याद रखने का, ये रास्ता ये पक्की रास्ता है, इसके आगे कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। कितना भी दुनिया की बड़े ज्ञानवान लोगों का पुस्तक पढ़े तो भी, या कोई और धार्मिक पुस्तक पढ़ा तो भी, इस दुनिया में धार्मिक पुस्तक बहुत है, लेकिन पवित्र शास्त्र या बाइबल, पवित्र बाइबल कहते हुए एक ही पुस्तक पाया जाता है, वही है जो सनातन काल के परमेश्वर की संदेश पाया हुआ, मनुष्यों की आत्मा की बचावत के लिए जो संदेश पाया हुआ, ये जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में जो है, इस पवित्र शास्त्र के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आपको आज रात भजन की गहराई गहराई को जितनी पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा, और मेरी ये बोली मतलब अगला नहीं, जब मैं अपनी आवाज निकालेंगे तो पवित्र आत्मा आपके पास आकर आपका दिल की दरवाजा खोल कर भीतर आकर आपका दिल की भट्टी में ये जो वचन अक्षर के रूप में एक एक अक्षर लेके लिख कर आपको समझा के दे सके, ताकि परमेश्वर की विवेक हमारी अंदर होने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा बने पाए। और ये प्रेयर लाइन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो पास्टर साहब आज प्रेयर लाइन चला रहे हैं, और हिंदी प्रेयर लाइन में इसमें शामिल सालों से जो लोग साथ देते हैं, और विशेष करके हमारे सिस्टर बिजी और उनकी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। इन दिनों में याद रखने का एक बहुत बड़ा भोज के साथ परमेश्वर की रास्ता ढूंढ ढूंढ के अपन आगे बढ़ने पाए। एशिया की पुस्तक में एक भविष्य वक्ता एशिया जो है अपनी वाणी दिया हुआ एक वचन आज मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि एशिया की पुस्तक 30वां अध्याय उसका 21वां पद, वहां पर यू लिखा गया है, तुम देने या बाय मोड़ने का समय, एक आवाज तुमको दिया जाएगा, देख ये रास्ता और इसमें से तुम चलते रहो, कि एक शब्द, आपको पता है कि बाइबल के अंदर एक शब्द के बारे में कई कई प्रकार अपन पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक में अपन पढ़ते हैं कि उसका पहला दूसरा तीसरा अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा इस दुनिया को, सारी चीज को और इंसान को भी मतलब सृष्टि करके इस दुनिया में रखा। तो परमेश्वर की आवाज सुनना बोले तो, शब्द सुनना बोले तो, मतलब वो बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। जब अपन इस दुनिया में चलने के लिए, एक बच्चे जब पैदा होते हैं तो 6 महीने के बाद, नहीं तो 1 साल के बाद, कई कोई कोई बच्चे 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद चलने के लिए चालू होता है, लेकिन जब कभी भी वो चलने के लिए कोशिश करते तो एक रास्ता ढूंढते, कीचड़ में जाकर चलने के लिए अपन कभी उसको मतलब अनुमति नहीं देगा,
खचड़े में जाने के लिए मतलब अनुमति नहीं देगा। वो एक रास्ता ढूंढकर वो रास्ते में चलते हैं, उनकी माँ जो उनको दूध पिलाते हैं, वो माँ जिधर है वो माँ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, और माँ जिधर जिधर चलते हैं वो दोनों हाथ से जो घुटने में वो माँ के पीछे पीछे भागता है। रास्ता जो है इंसान हमेशा ढूंढता रहता है। महात्मा गांधी ने एक बार ऐसा कहा था कि मैं एक सच्चाई का रास्ता ढूंढते रहता हूँ। तो उसने ढूंढते ढूंढते लगा यीशु मसीह भी सच्चाई है करके बताया, लेकिन सही सच्चाई हकीकत में यीशु है करके कभी नहीं बोला। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है, लेकिन ये मतलब यीशु ही मतलब मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। ये विश्वास करने के लिए महात्मा गांधी को नहीं हुआ, इंदिरा गांधी को नहीं हुआ, नेहरू जी को नहीं हुआ, या आजकल की जो भी नेतृत्व है उनमें से मतलब राजनीति की ओर से देखे या कोई बड़े बड़े काम करने वालों के पीछे देखे तो भी उन लोग कुल लोगों को नहीं होता है। लेकिन याद रखिए एक विश्वासी उनके ऊपर भविष्यद्वाणी हो रहा है, उनके ऊपर प्रोफेसी हो रहा है, उनको परमेश्वर की संदेश आ रहा है, देख बेटा देख बेटी देख परिवार देख कलीसिया, तुम लोग अपनी रास्ता के लिए वेदना सहन करने की जरूरत नहीं है, सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत षड्यंत्र तैयार करेगा। शैतान की षड्यंत्र जो है आपको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आयुब इतना भक्त था उनको भी पता नहीं था कि मतलब शैतान ऐसे ऐसे करेगा करके। ऐसा पता होता तो परमेश्वर से जाम ले सकता था ना, कि परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उनको भी पता नहीं कि शैतान ऐसा करेगा करके। तो याद रखने का इस दुनिया में अपन खतरनाक मूड में खड़े हैं तो भी तो मूड के बीच में याद रखने का परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलने वाला है। यदि परमेश्वर की चरणों पर बैठकर अपन घंटे घंटे प्रार्थना प्रोफेसी भविष्यवाणी होने का है तो आवाज सुनने का है तो ये दुनिया की आवाज से थोड़ा सा अलग बैठना पड़ेगा, मोबाइल से अलग बैठना पड़ेगा, इंटरनेट से अलग बैठना पड़ेगा, और इस दुनिया की कहानी या नॉवेल से थोड़ा सा अलग बैठना पड़ेगा, और इस दुनिया की जो टीवी के सामने जो बैठते हैं उससे भी थोड़ा अलग बैठना पड़ेगा, तुम्हारे नौकरी से अलग बैठना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम आमेन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हर एक मतलब काम में मतलब आपको अलग बैठकर प्रभु की ओर से बात करते 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 रहना पड़ेगा। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है यीशु पकड़वा जाने के पहले अपने शिष्यों के साथ रात भर गेतसेमने पहाड़ी के अंदर जाकर बैठकर परमेश्वर से बातें करते रहा। जब उनको वेदना सहन हुआ तो उनको रास्ता कैसे 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 कैसे, कैसे आगे चलने का कुछ अता पता नहीं हो रहा था ना, तो यीशु ने प्रार्थना करने लगा अपने शिष्यों को हिम्मत देने के लिए, और खुद हिम्मत बांधने के लिए। एक परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी प्रार्थना सिखाए तो फिर अपन कितना ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में खाने के पीछे अपन चिंता में है, जीने के पीछे चिंता में, गाड़ी के पीछे चिंता में, लोन भरने के बारे में चिंता में, और अपना मतलब घर के बारे में चिंता में, बच्चों के बारे में चिंता है, पति पत्नी आपस में चिंता में रहता है। तब याद रखने का कि जैसे यीशु ने पहाड़ी का प्रचार में यीशु मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु ऐसा प्रचार किया ना, देखो ना छोटा छोटा चिड़ियों चिड़ियों को इतनी कम कीमत में खरीदा जाते है, उनको परमेश्वर संभालते है। तो देख एक फूल को देखो ना, वो फूल को परमेश्वर इतना सुंदर दायित्व दिया। तो याद रखिए कि मतलब जानवर को देखो ना जंगल का, उसको खिला पिलाते नहीं है, खिला खिला पिलाते है ना परमेश्वर, उसने जा तो खेती बाड़ी नहीं करते, या उसने या कोई मतलब मेहनत करके कंपनी में जाके काम नहीं करते। ये जो बड़े बड़े जानवर सिंह से लेकर भले लायन से लेकर छोटे जानवर तक परमेश्वर उनको संभालता है, जो रोने वाला कौवा की बच्चे को भी खाना खिलाते करके बाइबल के अंदर लिखा है। तो याद रखना हमारे हमें अपने आप चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन चिंता इस बात का होना चाहिए कि मेरा रास्ता परमेश्वर की मार्गों पर है क्या। आज रात हमारे खुदावंत की ये वचन है, खुदावंत की संदेश ये है, खुदावंत की आशा यही है कि अपन विश्वासी भी और आज रात मेरे आवाज सुनने में से कोई भी
अधूरे विश्वास में है तो उनको मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज 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 ही तुम्हारा रास्ता परमेश्वर के हाथ में दे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। ये हमारी आज का दिन अल्प का दिन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इस दिन आनंद और मग्न हो, ऐसा 118 भजन संहिता में लिखा है ना कि परमेश्वर ने आज का दिन अपन को बनाया। आपका रास्ता कितना भी कठोर हो, कितना भी उल्टा पुलटा हो, कितना भी जड़े हुए हो, कितना भी गिरी हुई हो, तो याद रखने का परमेश्वर आपको ऐसा एक पत्थर बनाएगा कि कोड़े का सिरा बनाएगा, और ये मनुष्यों की सृष्टि में हम सभियों की सृष्टि में अल्पुद जगेगा। लेकिन याद रखना, ईश्वर के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए तुम्हारा रास्ता परमेश्वर के सामने देखने के लिए तैयार होना चाहिए, और परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आत्मा तुमसे क्या कहते करके सुनने के लिए कान होना चाहिए, परमेश्वर की रास्ता पकड़ने के लिए मुंह होना चाहिए, परमेश्वर की मार्गों पर चलने का इच्छा होना चाहिए। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया कि देख बेटा, मैं तुमको ये मतलब इस अवस्था में भविष्यवाणी करने के लिए बुला रहे, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5वें अध्याय से लेकर पढ़ने का, वहां पर परमेश्वर की आत्मा उनको कहा कि मैं तुमको बाघ के गर्भ में पैदा होने के बदले मैंने तुमको चुन लिया, दुनिया का नेव डालने के पूर्व परमेश्वर की जो मन में जो भेद के रूप में रखा हुआ हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने चुन लिया ना, परमेश्वर ने चुन लिया तो याद रखिएगा, मार्ग सत्य जीवन यीशु करके कहा हुआ, यीशु आपको बुलाए, मनुष्य नहीं, यीशु आपको रास्ता दिखाया, सिर्फ बुलाए नहीं, चुने हुए वंश से आप एक अलग इंसान है, आपके बारे में परमेश्वर को बहुत योजना है, लेकिन तुम अपनी टेढ़े मार्ग छोड़कर यीशु के सामने तुम्हारे मार्ग को रेख कर प्रार्थना करके, सवेरे घंटे पर प्रार्थना करने का, दोपहर को घंटे पर प्रार्थना करने का, शाम को घंटे पर प्रार्थना करके परमेश्वर की वाणी आप सुनना चाहिए, तब आप हिम्मत बांध कर ये बताना पड़ेगा कि मैं देखो मेरे दहिनी भाई और मोड़ने कसम मैंने एक आवाज सुना पीछे से कि तुम जाने का रास्ता देखो मैं सामने तो कॉल कर रखा है। हागार जब अब्राहम की घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने उनको थोड़ा सा रोटी दिया, थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ी समय के बाद वो पानी एक दिन का होगा नहीं तो 2 दिन का होगा, खाना खाके पीके बेटा इस्माइल और उनका माँ खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद बेटा जब मरने भूखे और प्यासे होकर मरने के लिए आ गया तो जंगल के अंदर बच्चे को एक जगह पे छोड़ के मुझे बच्चे का आवाज नहीं सुनने का है, उनका मृत्यु नहीं देखने का है करके बोल के उनकी माँ जो कि अलग बैठकर रो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया ना, और उसके बाद कहा है नहीं देख माँ तुमने क्यों बैठकर रो रहे, आग खोल कर देखो ना, तुम्हारे सामने देखिए पानी का सोता है, उसमें से पानी भर मटके में और अपने बेटा को पिला, क्योंकि तुम अभी मरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा भी मरने की जरूरत नहीं, तुमको घर से निकलना पड़ा है, लेकिन मैं उनको भी बहुत बड़ा जाति बनाएगा। तो रास्ता यदि प्रभु के सामने अर्पण किया, मार्ग प्रभु की ओर दे दिया, तो याद रखने का परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा मार्ग उपाय खोल कर आपको एक योजना देकर आपको चलाएगा। प्रकाश वाक्य के अंदर ऐसा लिखा है ना कि प्रकाश वाक्य 3:7-8 में के अंदर लिखा, पवित्र और सच्चा मसीह कलीसिया को ये वाणी एक भविष्यवाणी कर रहा है कि फिलाडेल्फिया कलीसिया से भविष्यवाणी कर रहा है कि देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, वो द्वार कोई भी बंद नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर के सामने तुम्हारा छोटा सा रास्ता हो, बड़ा सा रास्ता हो, छोटा सा सोच विचार हो, बड़ा सा सोच विचार हो, छोटा सा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, तुम्हारी पैसा की छोटी रकम की जरूरत है तो भी, लाखों की रकम की जरूरत है तो भी, परमेश्वर के सामने मार्ग खोल कर देख कर परमेश्वर मैं मन के अंदर सोच के दिमाग के अंदर सोच के मेरा मन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, मेरे मन पागल हो गया, दिमाग पागल हो गया, मुझे कुछ होने वाला नहीं, होते भी है, मुझे मदद कर, ऐसा प्रार्थना किया ना,
परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर की रास्ता कॉल कर देगा। भजन संहिता 27 यानी 37 का पांचवा पद के अंदर लिखा है, तेरा रास्ता परमेश्वर की हाथ में दे और उन पर भरोसा रख, वो आपको पूरा करके देगा। तो तुम अपना रास्ता अपन नहीं सोच लेगा, अपन मतलब सोच सोच कर पागल नहीं होने, पागल होने की जरूरत नहीं। मेरा रास्ता परमेश्वर के हाथ में देने का है। ऐसा देने वालों के बारे में पगला पद से गिरा पगला अध्याय उसका तीसरा पद में लिखा है, वो नदी की किनारे पे लगाए हुआ झाड़ के समान रहेगा, उनका पत्ता जो है हरा भरा रहेगा और वो पुरुष जो कुछ भी करेगा वो सफल हो जाएगा। तो याद रखने का कि अपना हाथ, अपनी पाँव, अपना आंख, अपनी कान, अपनी दिमाग, अपनी शरीर, अपनी हड्डी, अपनी मांस, अपन को परमेश्वर दिया हुआ ताकत, अपन को परमेश्वर दिया हुआ मतलब सारी 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 धन परिवार, ये सब परमेश्वर आज रख, मैं इकट्ठा बांध कर तेरा हाथ में दे देते, मैं संभाल संभाल के मैं पागल हो गया, मुझसे कुछ होने वाला भी नहीं है, होता भी होएगा भी नहीं, आप कोशिश किया तो भी आपसे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में दिया ना, परमेश्वर जो कुछ भी करते सुंदर करके देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब बनाएगा तो ये एकदम बढ़िया बना कर देगा, परमेश्वर जब ऊंचा करेगा तो आपके लिए सबसे बड़ा कुर्सी लेके आके बेटा के हाथ पकड़ के बिठाएगा, और परमेश्वर जब आपको बिठाएगा तो याद रखने का एक 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 अंगूठी बनाएगा, ताकि परमेश्वर की वाणी के अनुसार परमेश्वर की रास्ता में परमेश्वर के हाथ पकड़ कर हिला हिला के चला चला के परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने पाए। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनकी मुंह कभी खाला होने नहीं दिया। बुझी न, ऐसे एक हिंदी में ऐसा एक कहावत है, बुझी नजर वाले तेरा मुंह खाला। याद रखना कि एक करने का बदला होता है, आज नहीं तो कल पक्का है। प्यारो ये आज रात ये संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तुम्हारा मार्ग का चिंता परमेश्वर के हाथ में दे। तुम्हारे मार्ग का चिंता यदि परमेश्वर के हाथ में दिया तो परमेश्वर आपको जरूर चलाएगा। आपको पता है कि मतलब बाइबल के अंदर लुका की इंजील के अंदर लिखा गया है कि एक धनी मनुष्य, उनको दो पुत्र था, एक बड़ा बेटा और छोटा। छोटा ने देखा तो मतलब पापा के पास बहुत पैसा है, पापा से मांगा तो मैं मतलब अमीर हो जाएंगे। एक उम्र का एक जवानी का एक जोश उनको आया, जवानी का जोश में आकर पापा से मांगने लगा, पापा से झगड़ा करने लगा, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। फिर हिस्सा पापा तो मतलब दिलवाला था, पापा अच्छा अच्छा पिताजी था, उसने अपनी छोटे बेटा का हिस्सा भाग करके फाट करके पैसा भी और सब कुछ दे दिया। उसने वो लेके बहुत लंबे दूर गया। आपको पता है, पता है ना उठा पुत्र की कहानी कि वो लंबे गया, लंबे जाकर अपनी दोस्तों के साथ, जब तक पैसा था तब तक दोस्त, जब तक मतलब ताकत था तब तक मतलब परिवार, जब तक सब कुछ है सब, सब तब तक सब लोग है, जब तक सब कुछ है पांच सौ लोग विश्वास है लोग सब हाँ ढुम ढुम करके चलाएगा। लेकिन जब नुकसान हो गया ना, कोई भी साथ में नहीं आएगा। इसने ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, जब सब कुछ नुकसान हो गया, भूख लगने लगने लगा तो नौकरी ढूंढना चालू हो गया। नौकरी ढूंढ ढूंढ के कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिला, क्योंकि इसने तो कुछ काम करके मतलब उनको कोई अनुभव नहीं है। तो आखिर में डुकर को तो सुवर को संभालने वाला, पिक को संभालने वाला नौकरी मिला। वहां पर भी उसने भूख लगा, क्योंकि जो डुकर को शुगर को जो खाना देते हैं वो काके उनका भूख को मिटाने की कोशिश की, लेकिन सेठ लोगों ने या साथ में काम करने वाले लोगों ने उनको वो खाना भी नहीं दिया। तब कुछ समय के बाद ऐसा लिखा गया, उनको घोष आ गया, बेहोश था तब तक है ना, उनका दिमाग को शैतान ने बांध कर रखा है ना, उनका उनका घोष आया करके उधर लिखा। आप लोगों ने उस वजन को निकाल के लुका की जेल से आप पढ़ने का, घोष आया करके लिखा है। आपको पता है कि 10 कुमारी के बारे में बाइबल के अंदर लिखा है ना, उसमें से 5 हो गए बुद्धिहीन, 5 बुद्धिशाली। तो मतलब बुद्धू बन के इस दुनिया में ना रहने का, यदि तुम अपनी मार्ग में अपनी कोशिश में भागते रहते तो तुम बुद्धू है। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम करके जीतेंगे करके सोच विचार किए ना, तो फिर तुम्हारी जैसे नालायक कौन है। मैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि अपनी अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेने का, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, वही तुम्हारे सारे काम को सफल करके देगा। आज रात में आपको बताना चाहिए, एक रास्ता इस दुनिया में है तो
एक मार्ग इस दुनिया में है तो, एक उपाय इस दुनिया में है तो, भजावत इस दुनिया में है तो, आज रात एक ही है वो हमारा प्रभु यीशु है। यीशु के अलावा या बाइबल के अलावा आपको एक मार्ग, सच्चा मार्ग कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी समय का खुशी कुछ किधर ना किधर मिलेगा, वो एक रास्ते है करके आप सुधार, थोड़े समय आपको खुशी दिलाएगा, बीडिंग थोड़े समय आपको खुशी दिलाएगा, या मतलब और कुछ ऐश करने का चीज आपको कुछ कुछ समय खुशी दिलाएगा, टीवी या मोबाइल इंटरनेट थोड़े समय आपको खुशी दिलाएगा, लेकिन लाइफ जिंदगी कभी उसमें संतुष्ट नहीं रहेगा। आप याद रखने का, जिंदगी के साथ खेलो मत, और जिंदगी को आप धोखा भी ना दे, ताकि जिंदगी के साथ ना खेलने का, जिंदगी को धोखा ना देने का है तो आप सहारा लेने का, सहारा मनुष्यों का नहीं लेने का, प्रधानों का सहारा नहीं लेने का, बल्कि सनातन परमेश्वर का सहारा लेने का। सनातन परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल कर रखा है, रास्ता खोल कर रखा है, मार्ग खोल कर रखा है, उपाय खोल कर रखा है, आपको बचाने के लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। वो यीशु आपको बचाएगा पक्का पक्का पक्का। आज रात यीशु मसीह के नाम मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि आपको ये परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सच्चाई, मैंने प्रारंभ में बताया था, इसके अलावा कोई सच्चाई आगे नहीं है, पीछे नहीं है, दाहिने साइड में नहीं है, बाईं साइड में नहीं है, ये रास्ता में आए ना, परमेश्वर आपको आवाज सुनाएगा, मार्ग आपको दिखा के आगे चलाएगा। उड़ाव पुत्र के बारे में आपको मालूम है ना, जब गोश आया तो उसने बैठते बैठते ही बोला कि मैं जाके पापा से माफी मांगूंगा, स्वर्गीय पिता से माफी मांगा। जब वो पहुंचने के पहले ही उनका मन की पश्चाताप, मन की मतलब धीनता, मन की नम्रता, मन की मन फराया, वो चीज को उनकी पापा और परमेश्वर ने जान लिया। आने के पगले ही गला लगाया, आने के बाद उनका शेविंग करवाया, नहाया और उनका डुक्कर के साथ जगा हुआ कपड़ा बदला, नया कपड़ा मिला, घर के अंदर गाना चालू हो गया, खाना पकाना चालू हो गया, घर के अंदर नाचना चालू हो गया। उनकी पापा ने मतलब वो एक एक बहुत बड़ा सम्मेलन के रूम में, बहुत बड़ा देवर के रूम में बना लिया, ताकि मेरे को जो बेटा नुकसान हो गया था वो बेटा वापस मिल गया। आज रात में आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जिंदगी के अंदर रास्ता खो के बैठेला है, रास्ता आपका जिंदगी के अंदर आपका रास्ता आपके हाथ से निकल गया, तो वो याद रखने का वापस आया ना, स्वर्गीय पिता आपके लिए भी एक मतलब बहुत बड़ा सम्मेलन तैयार करके, स्वर्गीय स्वर्गीय पिता भी आनंद करके, आप नुकसान हो गया था आप बच गया करके बोलकर आपको बचाएगा। यीशु मसीह पापियों को बचाता है, यीशु मसीह रोगियों को चंगाई देता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा देते, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा अन्य भाषा के साथ देते, यीशु मसीह भविष्य वाणी देते, यीशु मसीह आपको वाणी सुनाते, यीशु मसीह आपको मार्ग दिखाते, यीशु मसीह आपको पवित्र जीवन देते, यीशु मसीह आपका आनंद काल का जीवन है, यीशु मसीह आपका पाप को धोकर सिद्ध करेगा, यीशु मसीह आपके लिए जीवन की पुस्तक खोलेगा। आज रात ये वाणी सुनने वालों में से कोई ना कोई आपका नाम जीवन की पुस्तक में पक्का लिख के रखे, जीवन की मैं यीशु मसीह से यही प्रार्थना करता हूँ, जीवन की पुस्तक आज रात की ये संदेश सुनने वाला किसी के लिए खोल कर रखकर उनका नाम उसमें लिखे, ताकि वे सब परमेश्वर की राज्य के एक वारिश बने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात ये संदेश आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा छुटकारा का, बहुत बड़ा आशीष का, बहुत बड़ा मार्ग का, उपाय का एक रास्ता और एक रात होने पाए, ताकि परमेश्वर आज रात इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करने पाए, और परमेश्वर पर भरोसे रखकर, परमेश्वर की मार्गों पर चलकर, परमेश्वर की आगे आगे आप चलते रहने पाए। दूसरा तिमोथियों की पुत्र पहला अध्याय उसका 12वां पद में लिखा है, ऐसा रास्ता परमेश्वर पर रखा हुआ इंसान कहेंगे, मैं जिस पर विश्वास करता मैं जानता हूं उनको, विश्वास करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताक करेंगे, और आपका मन के अंदर पक्का विश्वास करते रहेंगे, मैं जिन पर भरोसा रखा है, जिन पर मैंने विश्वास किया वो मैं जानता हूं कौन है, वो मुझे क्या कर सकता है, मेरे लिए क्या दरवाजा खोल सकता है, ये सब कुछ मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उन पर विश्वास करते हुए इस दुनिया की ओर ना देखने का, नीचे की ओर ना देखने का, ऊपर की ओर देखने का, परमेश्वर की चेहरा हर दिन सवेरे शाम देखकर, अपनी परमेश्वर की मार्ग पकड़कर, अपनी मार्ग भूल कर, सब कुछ भूल कर प्रभु के पीछे चले, और परमेश्वर ने आपको दिया होगा संघर्ष परेशानी क्रूस उठा के
यीशु के पीछे चले ताकि परमेश्वर आपका मार्ग को सफल बना के देने पाए। आज रात ये वचन आपके अंदर आने पाए, परमेश्वर की वाणी, प्रोफेसी, संदेश, परमेश्वर की मैसेज आपके अंदर आने पाए। दहनी और मुड़ने के समय, बाई और मुड़ने के समय, जैसे इसराइल लोगों को आगे चलो करके बोल के लाल समुद्र के बीच में दो टुकड़ा करके रास्ता खोलकर आगे बढ़ाया, और जब रोटी खिलाने के समय मन्ना दिया, मटन खिलाने के समय मटन दिया, पानी जब नहीं था तो चट्टान से, आजकल की बिस्लेरी वाटर की जैसे नहीं, ब्यूटिफुल, मतलब ऐसा लिखा है कि मधुर मथुर पानी उनको पिला खिला के चलाने वाला परमेश्वर आपको बुला रहे, आपको बजाना चाहते, आपको ले चलना चाहते। वो परमेश्वर कहते मैं तेरे सामने एक द्वार खुल रखा है, दुनिया बंद नहीं कर सकते, दुनिया खोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास दाऊद की कुंजी है, वो जिंदा परमेश्वर का पुत्र है, वो पुत्र के नाम है। आज रात वचन सुना हुआ सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करने पाए, ताकि प्रभु की सेवा में अपन आगे बढ़े, ये प्रेयर लाइन आगे चले, और कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में कैसे भी धक्का देके जबरदस्ती परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने पाए, ताकि परमेश्वर पीछे से एक आवाज हमेशा आप सुनने पाए, यही रास्ता, यही मार्ग, इस पर चल, ताकि आप सफल हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करने पाए, यीशु के नाम, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीषित दे। और जैसे पास्टर हमको बता रहे थे कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, अभी का समय सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमने परमेश्वर को अपने नजदीकी, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता जान के ग्रहण नहीं करा, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा उद्धारकर्ता मार्ग करके ग्रहण नहीं करा, तो कल के दिन की कोई गारंटी नहीं है। और वही मार्ग है, वो सच्चाई है, और वही जीवन है, और उसी को क्षमता है कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे, और उसी के द्वारा उद्धार है। थैंक यू पास्टर सुंदर वचनों के लिए, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम अपनी प्रार्थना विषयों को और अधिक आगे बढ़ाएंगे, और हम प्रार्थना लाइन के करीब करीब अंतिम समय पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले कि मैं आखिरी प्रार्थना को बोलूं, कोई भी भाई या बहन जिनको परमेश्वर गुवाही दे, हम लोग इस वक्त खास तौर से अपने मसीही परिवारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, खासतौर से वो बच्चे जो स्कूल जाएंगे, जो कॉलेजेस जाएंगे, जो नौकरी की तलाशते हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, और जो अभी कॉलेजेस में हैं, जो सिंगल हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, अपने मसीही परिवारों को और मसीही कलीसियाओं को याद करें। खास तौर से अपने इंडियन क्रिश्चियंस के लिए मेरा अनुरोध है, कोई भी भाई या बहन अपने परिवारों के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, एक और बार प्रभु तेरे सन्मुख हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आज रात को आपने हमें सुंदर से वचन सुनाए प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया तेरे, हालेलुया तेरे, तेरे वचन, तेरे हालेलुया शब्द को सुनने के लिए प्रभु जी हमारे कान को प्रभु जी हमेशा तैयार कर प्रभु जी। तू ही हमारा मार्ग, सच्चाई और जीवन है प्रभु जी, तेरा मार्ग यही है प्रभु जी, ये हम हालेलुया हमेशा सुनने के लिए प्रभु जी, हमारे 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 बच्चों को प्रभु जी सहायता कर, तेरा मार्ग छोड़कर प्रभु जी हम दाहिने और बाहिने जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तो हम में से हर एक को तैयार कर प्रभु जी, ताकि वह हम अनंत जीवन पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के दास जो आज वचन से सुनाए प्रभु जी, उनको और उनके प्रभु उनके परिवार को, उनके हालेलुया प्रभु के नाम से जो भी हालेलुया कार्य वो कर रहे प्रभु जी, उन सब पर प्रभु जी आपका आशीष हो प्रभु जी। आमेन। हालेलुया ऐसे बोला गया प्रभु जी, हालेलुया हम सारे विश्वास परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, शेष कर उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वचन के आधार पर प्रभु जी हम में से हर एक भी आगे चढ़ने पाए प्रभु जी, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु जी, तो हम में से हर एक को तैयार कर प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु जी, हालेलुया हमें सहायता कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, जैसे आपके वचन में कहता है प्रभु जी, अंतकाल में सारे जनों पर प्रभु जी मैं अपने आप आत्मा को उंडे लूंगा प्रभु जी, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर प्रभु जी। हालेलुया तेरी पवित्र आत्मा का प्रभु जी हालेलुया डबल पोर्शन इन दिनों से भरते प्रभु जी,
ताकि हम तेरे हालेलुया इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हम जो भी करें प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार उससे होने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, तेरे पवित्र आत्मा को दुखित करने वाला कोई भी कार्य हमें ना हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते प्रभु जी। हालेलुया, विशेष कर प्रभु जी तेरा आगमन बहुत ही निकट है प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी हालेलुया, दूसरों को तैयार करने के लिए प्रभु तू हमारे सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु सभी कोई अनंत जीवन पाने पाए प्रभु जी। विशेष कर प्रभु जी इन दिनों में उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तो आज जो आपके नाम से कष्ट सह रहे प्रभु जी, दुखित परिवार है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष कर पिछले दिनों में लुधियाना में जो प्रभु के दास प्रभु सुल्तान मसीह को प्रभु जी हालेलुया उन्हें गनशॉट वुंड करके प्रभु जी हालेलुया आज प्रभु के सन्मुख विश्राम कर रहे प्रभु जी। उनके परिवार जनों के लिए, उनके कलिसिया के लिए विशेष कर हम प्रार्थना करते प्रभु जी। यस माला परमेश्वर उन्हें शांति और समाधान से प्रभु भर दे प्रभु जी, तेरी शक्ति से उन्हें भर दे प्रभु जी। जो भी हालेलुया इस कार्य किया प्रभु जी, उन व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ताकि वो नाश ना हो प्रभु जी, परमेश्वर के प्रेम को वो जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, ताकि वो गिड़गिड़ा कर प्रभु प्रभु तेरे सन्मुख आने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हमारी प्रार्थना प्रभु तू सहायता कर प्रभु जी। और भी लोग है प्रभु जी, भाई बहन जो पीड़ित हो रहे प्रभु जी, उनके लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं। पास्टर उन्निमोहन राहुल जो हरियाणा में प्रभु जी बहुत कठिनाई से गुजर रहे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष कर प्रभु जी बहुत सारे चर्च जलाए गए प्रभु जी, नुकसान हुआ प्रभु जी। विशेष कर प्रभु जी इन दिनों में प्रभु तेरा कार्य हालेलुया विशेषकर इंडिया देश में होने पाए प्रभु जी, प्रभु के सुसमाचार फैलाने में जो भी रुकावट आए प्रभु जी उन सबको दूर करके प्रभु जी हालेलुया हर गली गली में प्रभु जी हर तेरे सुसमाचार पहुंचने पाए प्रभु जी। हालेलुया, तेरे दास दासियों को प्रभु जी तो शक्ति और सामर्थ से भर दे प्रभु जी, ताकि कोई भी पीछा ना हटे पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी 2021 में प्रभु जी इंडिया देश हालेलुया एक क्रिश्चिय राज्य हालेलुया क्रिस्तु के लिए क्राइस्ट के लिए प्रभु जी हम डिक्लेयर करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया, वहाँ के हर एक चर्चेस को प्रभु जी, वहाँ के हर एक मिशनरीज को प्रभु जी, उनके परिवारों को प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी तो उन्हें पूरा कर प्रभु जी, पानी दे प्रभु जी हालेलुया, भोजन दे प्रभु जी, मकान दे प्रभु जी हालेलुया, उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी सब कुछ तो उन्हें पूरा कर प्रभु जी। हरेक यीशु मसीह तेरे हरेक परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से प्रभु जी ने सबको प्रभु जी तो भर के प्रभु जी हालेलुया, पवित्र आत्मा से प्रभु जी सील करके प्रभु जी हरेक को प्रोटेक्ट कर प्रभु जी हालेलुया। एक और बार प्रभु जी मैं बच्चों को हरेक परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, हरेक परिवार तेरे में आनंदित होने पाए प्रभु जी। यस मैडम, सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर सुंदर इंटरसेसरी प्रार्थना के लिए। एक बार फिर परमेश्वर आपको, परिवार को, बच्चों को, पिता माता पिता को अधिक से अधिक आशीष दे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना सभा के बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं। अगर किसी भाई बहन की कोई पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस समय का कि आप शेयर करें, नहीं तो हम प्रार्थना के अंतिम विषयों की तरफ जाएंगे। कोई भी भाई या बहन जिनका कोई पर्सनल प्रार्थना विषय है तो ये समय है कि आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना, हम पहले भी किया था विशेषकर इन दिनों में आंटी की मामी जो है हॉस्पिटल में है, उनके लिए विशेषकर क्लरेंस सिस्टर के माता जी के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर डीना डैनियल और फैमिली अभी माराणाता कन्वेंशन चल रहा है इस वीक पूरा वहाँ पर डालस में, उस कन्वेंशन के अनुग्रह के लिए भी प्रार्थना करें। उस कारण सिस्टर आज ज्वाइन नहीं कर पाई है, उनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। ठीक है सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। इस वक्त हम खास तौर से सिस्टर क्लैरिन की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
तू जानता है कि वो इस वक्त अस्पताल में है और प्रभु उनको चंगाई की जरूरत है। तेरे पिता परमेश्वर, हाँ तूने कहा है और तेरे वचन के अनुसार प्रभु चंगाई जो है तेरे बच्चों की रोटी है। प्रभु ये तेरा तेरे बच्चों का अधिकार है प्रभु, जो तू उनको देना चाहता है और प्यारे पिता परमेश्वर तूने उनको दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर क्लैरिन की मम्मी की तरफ तो अपने चंगाई का हाथ बढ़ा और उनके शरीर की हर उस समस्या को, हर उस डिसबैलेंस को प्रभु तू दूर कर प्रभु, जो उनके शरीर को की नुकसान करता है। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम उनके हर बायोकेमिस्ट्री को के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि उनकी तमाम शरीर में जो भी कमजोरी है वो दूर हो, उनकी तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो सिस्टम्स उनके काम नहीं करते या गिरते जाते हैं प्रभु, तो उनको दोबारा नॉर्मलाइज कर प्यारे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तूने हिजकिय्याह राजा के लिए उम्र में के लिए आए खुदावन, तूने उसकी उम्र में साल जोड़े थे, आई खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू सिस्टर क्लैरिन की मम्मी की जिंदगी को बढ़ा और एक तंदुरुस्ती और हरा भरा जीवन उनको दे। इसी प्रकार प्यारे पिता परमेश्वर हम खास तौर से तुझसे प्रार्थना करते हैं मारानाथा की कन्वेंशन के लिए और तमाम दूसरे चर्चेस की कन्वेंशन के लिए प्रभु, जो इस वक्त डैलस में चल रही है या आने वाले दिनों में होने वाली है। हर कन्वेंशन में प्रभु तेरे तेरी उपस्थिति हो, तेरे लोगों से तू बातें कर प्यारे पिता परमेश्वर, लोग प्रभु अधिक से अधिक तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु हम अपने प्रिय फैमिली सिस्टर डीना डैनियल, पास्टर डैनियल के लिए उनके दोनों बच्चों को याद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तू उनके साथ रहे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना सभा में प्रभु अगवे के माने आने वाले प्रभु पास्टर जैन को, सिस्टर लिंडा को, उनके तीनों बच्चों को याद करते हैं जो इस वक्त इंडिया गए हुए हैं प्रभु, तो उनकी यात्रा में उनकी सहायता रखना प्रभु। जहां जहां वो जाते हैं उनको सही सलामत लेके जाना प्रभु, उनके मार्ग में उनके उनकी मिनिस्ट्री में तू सहायता और मदद करना प्रभु। इसी के साथ साथ प्रभु जितने लोग इस वक्त यात्राओं पर हैं या दूसरी जगहों पर गए हुए हैं प्रभु, तो उन सबों की सहायता और मदद करना प्रभु। हम तुझसे खास तौर से प्रार्थना करते हैं भारत के तमाम पड़ोसी देशों के लिए, नेपाल, भूटान के लिए, सिक्किम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझसे बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझसे बर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन देशों में तेरे नाम का सुसमाचार आने पाए। तमाम मुस्लिम राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान के लिए प्रभु, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, टर्की, तुर्कमेनिस्तान के लिए, उज्बेकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इजिप्ट के लिए, सोमालिया के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, लीबिया के लिए, तमाम नदर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तो इन देशों में प्रभु रिवाइवल को भेज प्रभु, अपने लोगों को खड़ा कर। नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू वहां पे अधिक से अधिक अपने नाम का प्रचार फैला प्रभु। एक बार फिर प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि भारत देश के अंदर जो शैतानी शक्ति अपना सर उठा रही है प्रभु, उनके विरुद्ध यीशु नासरी के नाम से हम आते हैं। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आत्मा को भारत के ऊपर उंडेल दे प्रभु, और जो लोग तेरा विरोध करते हैं प्रभु वे तेरे नाम का जय जयकार करने पाए हैं खुदावन। भारत के अंदर प्रभु दुष्टता की सेनाएं हारी जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं फॉर ईस्ट कंट्रीज के लिए प्रभु, हम तुझसे मलेशिया के लिए, लाओस के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खासतौर से प्रभु फिलीपींस के लिए प्रभु, तो वहां पे रिवाइवल को भेज। तो साउथ कोरिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताइवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाइना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू वहां के अंडरग्राउंड चर्च को तू बाहर ला प्रभु, तू कम्युनिज्म की दीवारों को तोड़ दे प्रभु। इसी के साथ साथ प्रभु तुझसे नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नॉर्थ कोरिया की उन उन दीवारों को तोड़ दे प्रभु, जिनके द्वारा तेरे नाम का प्रचार नहीं हो सकता, जिसके द्वारा प्रभु वो देश पतन के गर्त में जा रहा है प्रभु, तू उन दीवारों को तोड़ दे प्रभु। आई खुदावन जब हम टीनेजर थे प्रभु, हमारे सामने तूने बर्लिन की दीवार को गिराया, तूने ईस्ट और वेस्ट को मिला दिया प्यारे पिता परमेश्वर, जो आज भी हमारे सामने है प्रभु। एक बार फिर तुझसे दृढ़ता, नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू आई खुदावन इस नॉर्थ कोरिया की इस दीवार को घटा दे प्रभु। आई खुदावन जो टेंशन पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया की वजह से होता है प्रभु, तू उसके ऊपर गालिब आ प्रभु। आई खुदावन जो भी आई खुदावन टेंशन उस जगह पर है, उस पेनिनसुला में है प्रभु, तू उसको
खत्म कर आई खुदावन अंतिम देश समय में आई खुदावन देशों में बहाली पैदा कर, जिससे आई खुदावन वे लोग तेरी नजदीक में आने पाए। जापान के अंदर रिवाइवल को भेज, रशिया के अंदर रिवाइवल को भेज प्रभु। रशिया से अलग हुए हम तमाम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनको उनको उनके अंदर तो रिवाइवल को भेज। लातविया के लिए, एस्टोनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। पोलैंड के लिए, चेकोस्लोवाकिया के लिए, तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वेस्टर्न यूरोप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारा पिता परमेश्वर। वे देश जिनसे कभी तेरे नाम के लिए लोग जाते थे प्रभु, आज उन देशों में अंधकार की फैलता जा रहा है प्रभु। वे तेरे नाम को छोड़ते जा रहे हैं प्रभु, तो उनमें रिवाइवल को भेज आए खुदावन। वो अंधकार की शक्तियां प्रभु उन देशों में कार्य कर रही है प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन तेरा वचन कहता है कि कार्य करते रहो जब तक दिन है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। आए खुदावन इससे पहले कि वो रात आए प्रभु, तो इस दुनिया को जगा प्यारे पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा प्रभु तू उठ खड़ा हो प्रभु। आए खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू खड़ा हो प्रभु, इस संसार पर रहम कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कनाडा के ऊपर रहम कर प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्रभु दिन प्रतिदिन हमें सुनाई देता है प्रभु कि किस प्रकार कनाडा तुझसे दूर होता जा रहा है, यूएसए के ऊपर दया कर प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन यहाँ पर जो अन्य जातियां रहती हैं प्रभु, एथिस्ट रहते हैं प्रभु, हिंदू मुस्लिम जो रहते हैं प्रभु, गुजराती बंगाली पंजाबी प्रभु, जो जिन्होंने तेरे नाम को नहीं सुना प्रभु, तो उनके बीच में हमको ले जा प्रभु। आई खुदावन होने दे प्रभु कि यहाँ पर प्रभु हिंदुज्म नहीं बढ़ सके प्रभु। यहाँ पर आई खुदावन कोई भी तेरे नाम को छोड़ के प्रभु कोई और नाम यूएसए के ऊपर कभी हावी न होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। तमाम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेक्सिको के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझसे पनामा के लिए प्रार्थना करते हैं, गयाना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम तुझसे क्यूबा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तूने उसको खोला है प्रभु वहां पे रिवाइवल को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन तुझसे अर्जेंटीना के लिए, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं, वेनेजुएला के लिए प्रार्थना करते हैं, चिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन तमाम सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में रिवाइवल को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु धार्मिकता का जो एक अंधापन है प्रभु, जो अंधविश्वास है, उससे तो लोगों को बचा। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रार्थना करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दुनिया के तमाम द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु ये संसार तेरे तेरे ज्ञान से भर जाए प्रभु, तेरी नजदीकी से, तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, और लोग तेरे नाम का जय जयकार करने पाए तेरे पिता परमेश्वर। आई खुदावन आज की प्रार्थना सभा को चलाने के लिए प्रभु तूने सिस्टर बीजी को, ब्रदर साजन को अधिक से अधिक आशीष देना, उनके तीनों बच्चों को, परिवारों को प्रभु, उनके माता पिता को अधिक से अधिक आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु इस प्रार्थना सभा को चलाने के लिए तूने आशीष दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में हमारी जरूरतों को पूरा कर, अपनी नजदीकी में बना। तेरा आना हो तो प्रभु होने दे, हम सब तेरे राज्य में उठाए जाए, नहीं तो प्रभु अगले मंडे फिर इस प्रार्थना सभा में तेरे नजदीक आने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सारे को सहायता किया। विशेषकर डॉक्टर अजय को आज लाइन लीड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। थैंक यू डॉक्टर अजय एंड सिस्टर माधुरी एंड बॉबी एंड रॉबी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एंड सिस्टर सूजन फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड पास्टर कुरियन चेरियन फॉर द ब्लेस्ड मैसेज एंड गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस ऑल ऑफ अस एंड गॉड यूज अस फॉर हिज ग्लोरी। थैंक यू and a good night, Sister Clarin. Thank you for joining us. We will continue to pray for Mama. Thank you so much.